सभी लोगों को पता है कि मकर संक्रांति आई नहीं और सभी के घरों में तरह तरह के पकवान बनना चालू हो जाते हैं, जैसे कि तिल की चिक्की, पीनट की चिक्की हो या तिल के लड्डू, मुरमुरे के लड्डू, और सभी बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये बहुत ही पसंद होते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी मुरमुरा के लड्डू की रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। पहली बार भी आप बनाओगे तो भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन रख दिया है। तो पैन में मैं यहाँ पे 3 कटोरी मैंने यहाँ पे मुरमुरा लिया है। तो मुरमुरा को पहले मैंने छान के इसको क्लीन कर लिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डस्ट रहती है। तो इसको छान के अंदर से कोई भी कचरा हो तो निकाल के फिर यूज़ करना है। तो हम इसको पहले रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर होगा तो वो निकल जाएगा और एकदम क्रिस्पी हमारे लड्डू बनेंगे इससे। तो मेज़रमेंट के लिए आप घर की कोई भी कटोरी सेट कर सकते हो। तो 3 कप मुरमुरा के सामने हम यहाँ पे 1 कप गुड़ लेंगे। तो आप मेज़रमेंट अपने हिसाब से ले सकते हो, आपको कम ज़्यादा करना है तो, और मुरमुरा की क्वांटिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको ज़्यादा बनाना है तो इस हिसाब से आप मेज़रमेंट डबल कर सकते हो, लेकिन रेशियो यही रखना है। तो अभी ये हमारे मुरमुरा रोस्ट हो गए हैं, तो इसे साइड में रख देते हैं और पाई रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने पैन में 1 टेबलस्पून जितना घी डाल दिया है। तो घी डालने से इसमें शाइन भी बहुत ही अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है इससे। तो मैंने यहाँ पे जिस कप से मैंने मुरमुरा लिया था उसी कप से मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा गुड़ वाला अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड को थोड़ा ज़्यादा गुड़ वाले मुरमुरे अच्छे लगते हैं, मुरमुरा के लड्डे। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा गुड़ का यूज़ किया है। तो मैंने 1 कप से ऊपर थोड़ा सा डाला है, लेकिन मेज़रमेंट आप 1 कप डाल सकते हो यहाँ पे 3 कप मुरमुरा के सामने। तो अभी हम क्या करेंगे, गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो मेरे पास ये देसी गुड़ है, तो आपके पास बड़ा वाला पीसीस वाला गुड़ है तो आप इसमें ग्रेट करके डाल सकते हो, या फिर थोड़ा हार्ड वाला गुड़ है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। और ऐसे ही गुड़ है तो आपको कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको मेल्ट कर सकते हो। तो इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हम इसकी सारी प्रोसेस करेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके अच्छे से इसमें बबल आने तक हम इसको इस तरह से चलाएंगे। उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें इसको चेक करना है। तो लगातार इसको हमें चलाते रहना है, वरना क्या होगा कि नीचे से गुड़ चिपक जाएगा और टेस्ट भी इसका बिल्कुल भी नहीं अच्छा आएगा। तो पाई लेने में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा आ जाएगी तो इसका टेस्ट एकदम कड़वा आएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। और आप देख सकते हो 2 मिनट के बाद अच्छे से इसमें बबल आना स्टार्ट हो गए हैं। तो लगातार इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसको इसी तरह से चलाएंगे। आप देख सकते हो गुड़ का कलर भी चेंज हो जाएगा। 3-4 मिनट के बाद हम पानी में थोड़े से ड्रॉप्स डाल के इसको चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट है और ये खींचा खींचा हो रहा है। तो अभी और हमें इसको पकाना है, 1-2 मिनट और इसको चलाएंगे। तो लगातार इसको चलाते रहना है इस तरह से, वरना ये जल जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे पाई इसकी रेडी हो जाएगी और कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। फिर से हम थोड़ा सा गुड़ इसमें डालेंगे, तो आप देख सकते हो कि अभी भी थोड़ा सा खींच रहा है। अब हम ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे, 1 मिनट जैसा ही इसको पका के फिर हम इसमें मुरमुरा डाल देंगे। तो आप देख सकते हो एकदम ब्राउन जैसा इसका कलर हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये हमारी पाई रेडी हो गई है। अब हमने जो रोस्ट करके रखा था मुरमुरा वो इसमें डाल देंगे। और मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर दी है, आप चाहे तो लो फ्लेम पे भी इसको कर सकते हो, नीचे से चिपक नहीं जाएगा इसीलिए। तो इसी तरह से हम अच्छे से इसको गुड़ और मुरमुरा को मिक्स कर देंगे। तो एक जैसा ये अच्छे से हो जाएगा, तो ज़्यादा गुड़ वाला भी अच्छा लगता है, क्योंकि एकदम क्रंची इसका टेस्ट आएगा। ये अच्छे से पाई हो जाएगी तो एकदम क्रंची हो जाएगा ये। तो अच्छे से हम इसको मिला लेंगे और ध्यान रखना है इसको हाथ नहीं लगाना है, गरम गरम में ऐसे ही फिर हम इसको चला के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे।
तो पहले अच्छे से इसको मिक्स करके थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो आप देख सकते हो कि एकदम मस्त हमारे मुरमुरे और गुड़ मिक्स हो गया है। अब हम हाथ इसमें लगा सके, इतना ही गर्म है। अब हाथ में थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे और फिर से हम लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू की साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। आपको बड़ी साइज़ के बनाने हैं तो बड़ी साइज़ के भी बना सकते हैं, और रात में आप घी या फिर पानी कुछ भी लगा सकते हो ताकि ये कम गर्म लगेगा। और ध्यान रखना है ज़्यादा गर्म ना हो वरना हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और इस तरह से बाइंड करते जाएंगे लड्डू के। और लड्डू बनाने के तरीके सभी के अलग अलग रहते हैं, तो मैंने इस तरह से बनाए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस तरह से मुरमुरा के लड्डू बनाते हैं। तो मेरे सारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 1 से 1.5 महीने तक। तो ये हमारा मुरमुरा के लड्डू बनके रेडी हो गया है।